हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदु की रसोई। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और शानदार आलू से बनने वाली रेसिपी। तो इस सब्जी को बनाने में समय बहुत कम लगता है, बहुत टेस्टी बनकर ये तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास हरी सब्जी नहीं है तो आप इस सब्जी को बनाकर एक बार जरूर ट्राई करिए। तो मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो यहाँ पे हम ये सब्जी बनाने के लिए लहसुन ले लिए, अदरक, प्याज, टमाटर और मिर्ची। तो हम पहले प्याज को बारीक बारीक कट कर लेंगे, इसे आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। और एक ग्राइंडर जार लिए हैं, इसमें हम टमाटर, लहसुन, अदरक इन सभी चीजों को हम इसमें बारीक पीस कर पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इनमें हम बिना पानी को इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये पीस कर तैयार हो गया है। अब हम ये बॉयल किया हुआ आलू ले लिए हैं, ये छोटे साइज का आलू है। अगर आपके पास बड़े साइज का आलू है तो उसमें दो चीरा लगा दीजिएगा, ज़्यादा छोटे नहीं करना है आलू को, और हमें बड़ा बड़ा ही आलू लेना है। ये हम छोटे साइज का आलू लिए हैं, अगर आपके पास छोटे साइज का आलू है वो ज़्यादा बेटर है, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। और हम ये फॉर्क की मदद से इसमें होल कर लेंगे, जगह जगह होल करना है ताकि इसमें जो मसाला है वो अच्छे से सोख लेगा, और हमें आलू को तोड़ना नहीं है, ऐसे ही पकाना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे आलू को फॉर्क से होल कर लेंगे। और गैस पे हम कढ़ाई रख दिए हैं, इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। इसमें हमें आलू को फ्राई करना है, तो तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो हम आलू को दो बैच में फ्राई करेंगे, और मीडियम टू हाई फ्लेम में हमें आलू को फ्राई करना है। और ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सारे आलू को निकाल लिए हैं। अब इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी तल लेंगे। हमें मीडियम टू हाई फ्लेम में ही आलू को तलना है। और यहाँ देखिए, हमारा आलू तल गया है, हम तेल को थोड़ा कम कर लेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा तेल है। और इसमें हम डाल देंगे, तेल हमारा गर्म ही है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा 1/4 स्पून, और ये हम आधा चम्मच के करीब पचफोरन डाल देंगे। इसमें दो कटी हरी मिर्च डाल देंगे, और इसको हम चिटकने देते हैं। और इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ बारीक प्याज, और इसे हम फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। तो इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है चलाते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। हम यहाँ पे 1/4 स्पून हल्दी पाउडर लिए हैं, और ये 1 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं, ये कलर के लिए हम डाल रहे हैं। अगर आपको तीखा चाहिए तो आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो तीखा वाला आता है। और यहाँ पे हम धनिया पाउडर लिए हैं 1 चम्मच, और ये सब्जी मसाला है, ये अशोक सब्जी मसाला है, आप जो भी सब्जी मसाला यूज करते हैं आप ले सकते हैं। और इसे हम लो फ्लेम में भूनेंगे, लगभग 5 मिनट भूनना है। और इसमें हम टमाटर का पेस्ट जो बनाकर तैयार किए थे इसे डाल देंगे, और इसको हम मीडियम फ्लेम में 5 मिनट भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक डालने से क्या होगा कि हमारा टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएगा जल्दी से, ये जल्दी से भून जाएगा, तो इसलिए हम नमक स्वाद अनुसार लिए हैं। और इसे चला लेंगे, इसे हमें मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है, भूनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, हाई फ्लेम में नहीं भूनना है, नहीं तो मसाला में कच्चापन रह जाएगा। तो ये हम पाव भाजी मसाला लिए हैं 1 चम्मच भरकर, जो मतलब नॉर्मल चम्मच होता है घर में, उससे 1 चम्मच हम पाव भाजी मसाला ले लिए हैं, और इसको हम ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे।
तो ये देखिए 5 मिनट हो गया है, मसाले में थोड़ा तेल दिखने लगा है, इसे हम एक बार चला लेते हैं। तो ये हम मीडियम फ्लेम में मसाला को भून रहे हैं और इसको चला लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं, करीब आधा ग्लास के करीब पानी डालेंगे और इसको ढककर फिर एक बार पकाएंगे। थोड़ा चला लेते हैं इसे और इसको ढक देंगे। और हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो गया है और ये आप देख सकते हैं मसाले के ऊपर तेल आ गया है। अब इसे हम चला लेंगे। अच्छे से चलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे आलू जो हम तल कर रखे थे, और इसे हम अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सब्जी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसे आप पूरी, पराठा, रोटी, चावल, जैसे भी आप खाना चाहते हैं आप इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अब हम ऐड करेंगे पानी। पानी हम यहाँ पे 2 गिलास डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर ग्रेवी गाढ़ा रखना है तो कम पानी डालिएगा। और इसको हम ढक कर पका लेंगे 5 मिनट तक। और ये देखिए 5 मिनट हो गया है, अब देख सकते हैं आप मसाले के ऊपर तेल आ गया है अच्छे से, मतलब ये सब्जी हमारी अच्छे से पक चुका है। तो इसको हम चला लेंगे। तो ये हमारा सब्जी बनकर रेडी हो गया है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पुदीने का पत्ती। इसमें आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, पुदीना पत्ती बिल्कुल ऑप्शनल है तो डालिए, नहीं तो आप हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी बनकर सब्जी रेडी हो गया है। इसे आप भी बनाकर एक बार ट्राई जरूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्त और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स इसी तरह आप हमारी वीडियो को फुल वॉच करते रहिएगा। और फुल वॉच करने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।